नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। और आज कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो पिछली वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया है, मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों ने एक दो कमेंट आए थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और आप लोगों ने जो कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट किए उनसे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। अब तो अगर आप हर वीडियो पर ऐसे ही कमेंट किया करें, मैं और भी अच्छी अच्छी ऐसी ही वीडियो आपके लिए कहानियाँ लाते रहूँगा, ठीक है। और आज से हर वीडियो में एक चैलेंज रखते हैं कि हर वीडियो में एक कमेंट्स का चैलेंज देंगे कि इतने कमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, उसमें आपके लिए चैलेंज है कि आप 15 कमेंट करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15, ठीक है। तो चलिए मैं आज शुरू करते हैं आज की जो कहानी है। आज की कहानी है घटवार बाबा की, एक गंगा तट के रक्षक की, ठीक है। ये बात काफ़ी पुरानी तो नहीं है, लेकिन कुछ जब की है, कुछ जब अयोध्या का फैसला आने वाला था। कानपुर में दंगों के डर से कानपुर पूरा बंद था। हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी छुट्टियों के मज़े ले रहा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी अक्सर अपनी छुट्टी गंगा किनारे व्यतीत करते थे। मछलियों के बड़े शौकीन थे वो, इसलिए अक्सर छुट्टियों के दिन में मछली पकड़ने गंगा किनारे चले जाया करते थे। कभी कम तो कभी ज़्यादा, मगर मछली पकड़ने के उस्ताद थे वो। उस दिन उन्होंने अपना दिन का खाना निपटाया और फिर अपनी पत्नी यानी चाची जी को मसाला पीस कर रखने को कहा और कहा कि चलो आज फिर एक बार गंगा किनारे मछली पकड़ने चलते हैं। जैसे मैंने आप सबको बताया कि वो अक्सर मछलियाँ पकड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन उनके साथ कुछ अलग ही हुआ। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर गंगा बैराज जाया करते थे। ये एक गंगा किनारे की जगह है, गंगा बैराज वहाँ पर जाया करते थे। लेकिन कानपुर में उस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था, जिसके चलते उन्हें वहाँ तक जाना उचित नहीं लगा, क्योंकि कोई भी सवारी वहाँ के लिए मिल ही नहीं रही थी। इसलिए आज वो शुक्लागंज की तरफ जाने लगे। दोपहर के कोई 2:30 बजे का वक्त था। वो अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए मछली पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन 45 मिनट हो चुके थे, लगभग 1 घंटा बीतने को था, लेकिन उन्हें एक भी मछली हाथ नहीं लगी। और हर मछली पकड़ने वाले में सब्र का एक सैलाब होता है। आखिर कितनी देर तक वो ऐसे ही किनारे पर बैठा देखता रहेगा कि अब मछली आएगी, अब मछली फंसेगी। वो भी सब्र करते रहे, लेकिन आखिर जब वो सब्र की सीमा पहुंच गई तो उन्होंने मछली पकड़ने की पूरी कोशिश की, अपने सब पूरा सब्र किया। वैसे भी वो गंगा के किनारे की खूबसूरती इतनी मोहक होती थी कि वहाँ बैठने वाले इंसान का दिल कभी भर नहीं सकता, तो बोर होने की बात अलग थी। इसीलिए जो चाचा जी थे वो भी अपनी खुशी में मग्न काम में लगे हुए थे। चाहे उन्हें मछलियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे हुए थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कांटे में कोई मछली फंसी है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी पहले उन्हें देखना था कि मछली है या कोई और भी चीज़ है, और मछली है तो कितनी बड़ी, कोई छोटी है तो क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि उसके परिवार में 4 लोग हैं, सिर्फ एक छोटी मछली से कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर, वो अपनी इतनी देर बाद आई पहली सफलता को लेकर ही बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कांटे की डोर को पकड़ कर बाहर खींचना चाहा, मगर उन्हें लगा कि कोई भारी चीज़ उनके कांटे में अटकी हुई है और वो उसे खींच नहीं पाए। उन्होंने अपनी उस मछली पकड़ने वाली डोर को एक पत्थर से बांधा और पूरा जोर लगाकर उस मछली को बाहर निकालने में लग गए। वो काफ़ी जोर लगा रहे थे, मगर उनसे वो मछली बाहर नहीं खींच रही थी। एक तरफ तो उनके मन में वो बड़ी मछली पकड़ने की खुशी थी जो उन्हें बिल्कुल हार मारने नहीं दे रही थी, और दूसरी तरफ वो मछली जो बाहर आने की बजाय चाचा जी को ही अंदर खींचना चाहती थी। काफी जोर लगाने के बाद जब चाचा जी ने समझ लिया कि ये मछली अब बाहर नहीं आ सकती और न ही कोई और वहां था जो चाचा जी की मदद कर सकता, चाचा जी ने उस मछली को छोड़ देने का फैसला किया और एक आखिरी उम्मीद के साथ थोड़ा सा डोर को ढीला छोड़कर फिर एक साथ अपना सारा जोर लगाकर उसे खींचा। वो मछली इस बार बाहर आ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई और वो मछली को देखने में करीब 6 फुट की थी और वजन करीब होगा 10-15 किलो के आसपास। वो कांटे के साथ उछलकर बाहर आई थी कि चाचा जी से करीब 3 मीटर की दूरी पर जा पड़ी। चाचा जी अपना सामान वगैरह छोड़ उसी के पास चले गए और इतने खुश थे कि क्या बताएं।
वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी मछली को वो अकेले कैसे घर ले जा पाएंगे। वो उस मछली के पास पहुंचे, पहले तो उसे मछली को देखकर दंग रह गए। वो मछली बहुत अजीब किस्म की थी, जैसी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। काली और थोड़े से हरे रंग के दाग भी थे उस मछली पर। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि उस मछली ने अपने मुँह में एक इंसान का सर पकड़ रखा था, मानो जैसे कि वो उसे खाने वाली थी। इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि लाख पाबंदी के बाद भी कभी कभी गंगा में लाशें देखी जाती हैं, जिन्हें अगर सरकारी कर्मचारियों ने देख लिया तो वो उसे निकाल लेते हैं, वरना न जाने कहां तक उसका सफ़र जारी रहता होगा। इन्हीं लाशों को अक्सर बड़ी मछलियां भी खा जाती हैं। ऐसा ही कोई वाक्य समझकर चाचा जी को डर नहीं लगा और उन्होंने सोचा शायद किसी लाश को खाने की कोशिश की होगी इस मछली ने और नहीं खा पाई और मेरे हाथों फंस गई। लेकिन वो मछली बिना तड़पे यथावत वहां पर पड़ी हुई थी। जो सर उसके मुंह में था उसका पीछे का हिस्सा चाचा जी को दिख रहा था। मछली की पड़ताल करने के लिए चाचा जी ने पहले धागा खींचा। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मछली पकड़ने पर कांटा हमेशा मछली के मुंह में होता है, तभी वो पकड़ में आती है। लेकिन इस मछली का वो कांटा उसकी पूंछ में लगा था। आमतौर पर पूंछ पर कांटा नहीं लगता, और अगर लग भी जाए तो मछली उससे आसानी से निकल जाती है, चाहे वो कितनी भी छोटी मछली क्यों न हो। और इतनी बड़ी मछली पूंछ पर कांटा लगने के बाद में भी पकड़ में आ गई। ये दूसरी बार था जो उस मछली ने चाचा जी को हैरान कर दिया। एक तो वो सिर किसका था और दूसरा एक कांटा उसकी पूंछ में कैसे लगा। लेकिन अब वो इन सब बातों को भूल कर बस ये सोचने लगे कि इस सर को उसके मुंह से निकाल कर इस मछली को घर ले चले। उन्होंने मछली को पलट दिया। अब उस मछली के मुंह से फंसे उस सर का चेहरा चाचा जी की तरफ हो गया। देखने में लगा कि किसी ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति का सर नहीं था और न ही वो लाश ज्यादा पहले गंगा में फेंकी गई होगी। उस सर का चेहरा सही सलामत था। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि सर को हाथ लगाना ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने छोटे से थैले में जिसमें वो मछली पकड़ते वक्त जरूरत का सामान रखते थे एक छोटा सा चाकू निकाला। उन्होंने सोचा कि मछली के मुंह को थोड़ा सा काट कर फैला दिया जाए तो सर अपने आप बाहर निकल जाएगा, जिसे वो वापस गंगा में फेंक कर मछली को लेकर चलते बनेंगे। जैसे ही उन्होंने वो चाकू मछली के मुंह पर रखा, उस चेहरे ने आंखें खोल दी और चाचा की तरफ देखने लगे। एक पल को दोनों की नजर मिली, फिर चाचा जी को काटो तो खून नहीं। ऐसा दृश्य देखकर चाचा जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो एकदम अचानक पीछे हटे और खूब जोरों से चिल्लाते हुए अपना सारा सामान छोड़कर घर की तरफ भाग चले। उनके घर से उस गंगा घाट की दूरी कोई 1 किलोमीटर थी। इतनी दूरी उन्होंने दौड़ते हुए ही तय की। वो घर पहुंचते ही घर में गिर कर बेहोश हो गए और कपड़ों में ही मलमूत्र त्याग कर चुके थे। उस वक्त उनके डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जिसे वो मरा हुआ इंसान किसी लाश की खोपड़ी समझ रहे थे, उसने चाचा जी के सामने अचानक आंखें खोल दी। वो खोपड़ी जिंदा हो गई। घर में जब चाचा जी पहुंचे तो हाहाकार मच गया। पड़ोसी घर में मधुमक्खियों के झुंड की तरह इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, और इसलिए वो सब और ज्यादा परेशान हो गए। बच्चों ने उनके कपड़े बदले और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें कहा कि शायद कोई सदमा था जो या डर की वजह से ये बेहोश हो गए। ये सुनकर सब हैरान थे कि सदमा या डर किस बात का। उन्हें सब मिलकर उन्हें होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 6 घंटे बाद उन्हें होश आया और जब उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस करने के बाद उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर सारा वाक्य उन्होंने अपनी पत्नी और वहां लोगों को सुनाया। लेकिन किसी को भी उस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन चाचा जी की हालत उस घटना की सच्चाई को साबित कर रही थी। चाचा जी अब डर से उबर तो गए थे, मगर उन्हें जोरों का बुखार हो गया। अस्पताल में सारे डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, मगर बुखार में कोई कमी नहीं आ रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उनके बड़े बेटे ने एक तांत्रिक को बुलाने का और उसकी मदद लेने का फैसला किया। न जाने कहां से ढूंढ कर वो एक बाबा जी को लेकर आया। देखने में वो एक साधारण आदमी लगता था, कोई खास बात उसमें दिखाई नहीं थी, मगर उसके काम बिल्कुल अचूक थे। वो सुबह अस्पताल में आया और थोड़ी देर चाचा जी से बात की और फिर चला गया। शाम को वो दोबारा आया, फिर उसने जो कुछ बताया वो सच में चौंकाने वाला था।
उसने बताया कि चाचा जी जब मछली पकड़ने गए थे तो उस समय वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला था, न कोई मछुआरा न कोई नाव, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं जो बात उस बाबा जी ने बताई। गंगा हो या यमुना या फिर कोई और भी नदी, हर नदी के किनारों पर घटवार होते हैं। कोई बहुत सौम्य व्यवहार वाले हो तो कोई अत्यंत कठोर, ये नदी के किनारों के रक्षक होते हैं। जरूरी नहीं एक ही रक्षक हर वक्त किनारों की रक्षा करता हो। ये घटवार जो उस घाट की रक्षा करते हैं उनको कहते हैं। ये घटवार भी कई सारे होते हैं और हर किसी का एक अपना वक्त होता है। दिन के किस पहर किसको रक्षा करनी है एक व्यवस्थित तरह से सब कुछ तय होता है। जो लोग अक्सर डूबकर मरते हैं या अकाल मौत मरते हैं और घाट पर उनका संस्कार किया जाता है, उन सबकी आत्माओं और मल्लाहों के भोग से ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक उन्मुक्त शक्ति होते हैं, कोई भी तांत्रिक इनसे टकराता नहीं। और अगर ये किसी पर नाराज भी होते हैं तो तांत्रिक केवल इन्हें खुश करके ही इनका साया हटा पाता है। अगर किसी पर ज़्यादा नाराज हो जाए तो उसे अगली सांस लेने का मौका भी नहीं देते, और अगर किसी पर खुश हो जाए तो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। नाव वाले इन्हीं की पूजा करते हैं और इनके आशीर्वाद और कृपा के बाद ही वो अपनी नाव नदियों में उतारते हैं। ये अक्सर चिलम, लंगोट, खड़ाऊ और सफ़ेद मिठाई का भोग लेते हैं। इनकी हद में भूत प्रेत तो क्या देवता भी नहीं आ पाते। हमेशा किसी भी नदी के तट पर नदी में नहाने से पहले घटवार बाबा की जय बोलकर पहले नदी के पैर छूने चाहिए, फिर नहाना चाहिए। चाचा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे वो वक्त वहाँ के एक शक्तिशाली परंतु एकांत पसंद घटवार का वक्त था। वो मछली और वो सर उस घटवार ने तुम्हें सिर्फ डराने और उस वक्त वहाँ पर न आने के लिए दिखाया था। उस तांत्रिक ने बताया कि वो घटवार उन पर नाराज नहीं है, केवल उन्हें डराना चाहता था और उसी डर की वजह से उन्हें बुखार आ रहा है। फिर तांत्रिक ने चाचा जी को अस्पताल से छुट्टी लेने की सलाह दी और कुछ भोग के साथ चाचा जी को उसी समय पर जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे वहां अकेले जाने को कहा। वहां जाकर उन्होंने कहा कि वहां जाकर वो भोग अर्पण करें और घटवार बाबा से क्षमा मांगे। चाचा जी इस बात से और भी ज्यादा डर गए क्योंकि उन्हें अकेले जाना था, मगर ठीक होने के लिए उन्हें ये करना ही पड़ा। अगले दिन चाचा जी उसी समय पर सारा बताया गया सामान लेकर वहां गए और जल्दी जल्दी क्षमा याचना की और तेजी से वापस अपने घर को लौट आए। उनके बाद उनका बुखार भी उतर गया और उन्होंने दोबारा उस समय पर वहां न जाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, घटवार बाबा की इस घटना की पुष्टि के लिए मैंने अपने गुरुजी और अपने कुछ जानकारों से पूछताछ की। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मुझे सबूत के तौर पर उदाहरण भी दिए, जैसे कि वहाँ मौजूद एक पेड़ जिसकी जड़ आधे से ज़्यादा जमीन से बाहर है और वो पेड़ गिरा हुआ प्रतीत होता है। उसकी डाल जो टहनियाँ हैं वो नदी गंगा नदी को छूती हैं। जो कोई भी उसकी उस पेड़ को पहली बार देखता है उसे इस बात का अचंभा अवश्य होता है कि ये पेड़ तो लगभग गिरा हुआ है लेकिन फिर भी हरा कैसे है, इसे तो अब तक सूख जाना चाहिए। लेकिन वो हरा सिर्फ वहाँ मौजूद घटवार बाबा की कृपा से है। घटवार बाबा की कृपा और भी घटनाएं वहाँ पर प्रचलित हैं जो कि किसी न किसी बात की पुष्टि कर ही देती हैं कि वहाँ पर उस घाट पर कोई रक्षक रहता है। और वो घटवार बाबा दुष्टों को सजा भी देते हैं और मजबूरों की मदद भी करते हैं। तो इस तरह चाचा जी ने उस रहस्यमय कहानी से एक पर्दा उठाया और बताया कि घटवार बाबा जो घाट पर रक्षा करते हैं ऐसे भी कोई लोग होते हैं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और जो आपके लिए चैलेंज था कि इस वीडियो पर इस कहानी पर 15 कमेंट कर सकते हैं आप, तो करिए, ज़रूर करिए। और हम आपसे मिलेंगे एक नई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।